हे लिसन, तुझे पता है मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि कल मैं प्रोटेस्ट करके आई हूँ और आई एम सो प्राउड कि मैं एक अच्छे कॉज के लिए खड़ी हुई हूँ यार। कैसा प्रोटेस्ट? सीए का प्रोटेस्ट। पर तुम क्यों प्रोटेस्ट कर रही थी? हम सब प्रोटेस्ट कर रहे थे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ। दैट्स फाइन, पर तुम किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी? अरे ये एक्ट इंडियन मुस्लिम की नागरिकता ले रहा है। इंडियन मुस्लिम की नागरिकता किसने बोला? ये एक्ट तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की माइनॉरिटीज को सिटीजनशिप देने के लिए बारे में है। डज इट लीव आउट मुस्लिम्स? देखो, ये तीनों कंट्रीज इस्लामिक स्टेट है और ये लॉ रिलीजियस माइनॉरिटीज के बेस पे सिटीजनशिप प्रोवाइड कर रहा है, तो ये तीनों कंट्रीज में मुस्लिम तो माइनॉरिटीज नहीं है, है ना? पर ये तीन देश ही क्यों फिर? गांधी जी ने पार्टीशन के टाइम और बाद में नेहरू जी ने भी ये प्रॉमिस किया था कि ये जो तीनों कंट्रीज हैं, इसकी जो माइनॉरिटीज हैं, इनका नेचुरल होम इंडिया ही है और ये कभी भी इंडिया आना चाहे तो वी विल गिव देम होम। ओह अच्छा, सो दैट्स द लॉजिक। पर एनआरसी क्या है फिर ये? और बोला तो ये जा रहा है कि अगर एनआरसी आएगा तो मुस्लिम्स विल बी लेफ्ट आउट ऑफ इट। एनआरसी सिटीजन रजिस्टर है और ये किसी धर्म के आधार पर नहीं है। ये सभी को अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, जैसे कि वोटर आई कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, इंश्योरेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स सभी को सबमिट करवाने पड़ेंगे और हर किसी के पास ये डॉक्यूमेंट्स तो होंगे ही। ओह वेट, देयर इज अ मेन प्रॉब्लम। जरूरी नहीं है कि हर गरीब के पास डॉक्यूमेंट हो, और अगर ये एनआरसी आएगा और जो मुस्लिम गरीब है वो अगर अपने डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाएगा तो उसको तो ये भगा देंगे, पर वही अगर हिंदू है और वो गरीब है, उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो सीए तो उसको बचा लेगा। अगर गरीब नॉन मुस्लिम कोई है तो उसको ये प्रूफ करना होगा कि वो इन तीनों कंट्रीज यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश का सिटीजन है, ठीक है? तो ये दोनों के लिए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोनों के लिए लॉ सेम ही है। अरे यार, पर गरीबों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है। बस कर, ये बात तू 5 साल पहले बोलती तो समझ भी आता। अब तो हर गरीब के पास आधार, जनधन बैंक अकाउंट है और मैक्सिमम बीपीएल लोगों को तो गैस कनेक्शन मिल चुका है, घर घर तक बिजली पहुंच चुकी है और हर किसी के पास कहीं ना कहीं से डॉक्यूमेंट्स तो होंगे ही। पर चलो मान भी लिया बाय चांस किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो एनआरसी विटनेस प्रोविजन भी देता है। आप किसी विटनेस को लाके भी प्रूफ कर सकते हो अपनी सिटीजनशिप। ओ अच्छा, तो क्या ये एनआरसी प्रोसेस सबके लिए सेम है? हाँ। अच्छा, तो क्या तेरे पास ऐसा कोई प्रूफ है कि तेरी फैमिली 1971 से पहले इंडिया में ही थी? 1971 में तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी, और ये जो सिर्फ है ये सिर्फ असम एनआरसी के लिए है, क्योंकि 1985 में असम समझौता हुआ था, सिर्फ इसी के वजह से है, जो कि राजीव गांधी ने हमारे पैदा होने से पहले ही साइन कर दिया था। तो ये सिर्फ वर्ल्ड वाइड नहीं है, ये सिर्फ असम के लिए है। ओह माय गॉड, तो फिर मैं प्रोटेस्ट किसके लिए कर रही थी? ये तो तुझे प्रोटेस्ट करने से पहले सोचना चाहिए था। पर लेकिन ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है फिर? सच बताऊं? हाँ बोल। ये सब कांग्रेस और उसके वोट बैंक का किया धरा है। वैसे भी ये लोग मोदी जी से नफरत करते हैं और मोदी को हराना तो इनके बस में है नहीं। धारा 370 हटना हो या फिर राम मंदिर की जजमेंट हो, इसमें तो ये सब कुछ कर नहीं पाए, तो बस खामखा इस टॉपिक को मुद्दा बना रहे। ओह, तो ये अपने हेट एजेंडे के लिए मुझे यूज कर रहे हैं। तू देख, अब मैं अपने सारे दोस्तों को बताऊंगी और इनका असली चेहरा इनके सामने लेकर आऊंगी।